तो तूफानी चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खफा हो गए। मोदी का गुस्सा खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पर था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 पर विवादित बयान दिया। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी तक करार दिया। मोदी ने कांग्रेस की भाषा को टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़ा। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 24 के रण में अचानक आर्टिकल 370 पर क्यों घमासान छिड़ गया है। साथ ही जानिए कांग्रेस अध्यक्ष के कंफ्यूजन पर अमित शाह क्यों भड़क गए। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तलखी हो, भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की हो, तब मोदी के तेवर देखते ही बनते हैं। पीएम मोदी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हैं। देश की बात आते ही मोदी की शख्सियत बदल जाती है। पीएम मोदी चुनावी रैली में भी पुरजोर तरीके से राष्ट्र प्रेम प्रथम की सौगंध दोहराते हैं। बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर मोदी ने 24 के रण का रुख ही बदल दिया है। ये बात निकली कहां से, पहुंची कहां तक है, इसे समझिए। उससे पहले मोदी के भाषण का यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशाने पर टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी की गारंटी पर डाउट मना है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। मोदी पर निशाना साधने के फेर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के जुबान की फिसली उन्हें बीजेपी ने बैकफुट पर पहुंचा दिया है। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, मगर वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे ना उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो।
कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि कश्मीर पर जान तक न्योछावर है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खड़गे के बयान पर भी अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें घेर लिया। हालांकि कांग्रेस ने खड़गे के बयान पर सफाई भी दी और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि आर्टिकल 370 पर। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाकर नरेंद्र मोदी के संविधान को लाने के लिए 370 और 400 की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, 2004 में इंडिया शाइनिंग, हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हम राजस्थान हार चुके थे। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था, जिसका नफा नुकसान दहशतगर्द आका उठा रहे थे। कश्मीर के अमन के दुश्मन इसी आर्टिकल को टूल की तरह इस्तेमाल कर अलगाववाद की बारूदी साजिश रचते थे। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। 370 से मुक्त कश्मीर की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है। मोदी ऐसी ही कश्मीर की गारंटी देते हैं, जहां शांति हो, तरक्की हो और उन दुश्मनों को दुत्कार हो जो सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ कुचक्र रचते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।